हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर डॉट कॉम पर। तो आज हम एक्टिविटी शीट 44 को करेंगे। यह रीडिंग कैंपेन 6 क्लास टू 8 क्लास सभी स्टूडेंट के लिए है। यह है 11 मार्च 2022 के लिए है, 2022 के लिए है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट अपना नाम लिखेगा, फिर अपने टीचर का नाम लिखेगा जो आपको मैथ टीच कराता है, क्योंकि आज की जो वर्कशीट हमारी है वो मैथ की वर्कशीट है। तो आपने अपने मैथ टीचर का नाम यहाँ पे लिखना है। तो आज हमने क्या करना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में पढ़ना है कि भारत श्रेष्ठ कैसे है और इसमें किस तरह से भाषाओं के बारे में बताया गया है। तो आइए विभिन्न भाषाओं के बारे में जानते हैं और इस आज की वर्कशीट को करते हैं। तो शुरू करते हैं। डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन इन आवर कंट्री ऑफ इंडिया। हमारे भारत देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। दिस डाइवर्सिटी इज़ ए यूनिक फीचर ऑफ इंडिया। यह विभिन्नता भारत की एक यूनिकता को दर्शाती है। यह एक यूनिक विशेषता है किसकी, इंडिया की, यानी कि विभिन्नता में एकता एक यूनिक विशेषता है भारत की। पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज लिव इन ए स्मॉल टाउन इन इंडिया। जो लोग होते हैं वो जो छोटे छोटे कस्बों में रहते हैं अनेक प्रकार की लैंग्वेज को यूज करते हैं, वो बोलते हैं। द बार ग्राफ बिलो शो, नीचे जो बार ग्राफ दिखाया गया है ये द नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इन द सिटी, इन दिस सिटी, यानी कि इसमें दिखाया गया किसी एक सिटी में जो लोग होते हैं, रह रहे होते हैं, अनेक तरह की भाषाओं का यूज़ करते हैं, भिन्न भिन्न तरह की भाषाएं बोली जाती है। तो यहाँ पे पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज, यहाँ पे जो लोग हैं वो विभिन्न तरह की भाषाएं बोलते हैं। कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं, आज हम इस बार ग्राफ के माध्यम से पता करेंगे। अब जैसे मराठी लैंग्वेज है, मराठी लैंग्वेज ये यहाँ पर शो किया हुआ है बार के द्वारा। इस बार में जो रेड कलर्स आप देख रहे हैं इसमें यह बताया गया कि मराठी लैंग्वेज को कितने लोग बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने बताना है। यहाँ पे सभी लैंग्वेज हैं जो इस सिटी में बोली जाती हैं, ये लैंग्वेज है। यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, मराठी, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, उर्दू, ये 6 भाषाएँ इस शहर में बोली जाती है, इस सिटी में बोली जाती है। और उनके बोलने वाले लोग कितने हैं, नंबर ऑफ़ पीपल कितने हैं, यहाँ पर हमने 0 से लेके 1000, यानी कि 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, इस तरह से हमने यहाँ पे करना है, लास्ट तक 8000 है। तो यहाँ पे तो दिखा दिया भी पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज, यहाँ पे उन लैंग्वेज कौन कौन सी बोली जाती है। यहाँ पे नीचे क्या दिखाया गया, नंबर ऑफ पीपल, यानी कि कितने स्टूडेंट बोलते हैं, मतलब कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो इन भाषाओं को बोलते हैं। तो हमने एक्टिविटी करने से पहले एक बार इस ग्राफ को समझ लेते हैं। अब मराठी लैंग्वेज है, मराठी लैंग्वेज को कितने लोग बोलते हैं, हमने इस बार को ये देखना है कि कहाँ तक ये गया हुआ है, ठीक है। और नीचे हमने इसको मैच करना है। अभी यहाँ से हम ये देखते हैं, अगर यहाँ पर तो यहाँ पर हम आता है हमारा बार ग्राफ है जो यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर हमें पता नहीं क्या है। तो हमने इससे पहले एक बार यहाँ पर हम एक बात को ध्यान रखेंगे, अपने माइंड में रखेंगे, आप चाहो तो अपनी कॉपी पे लिख भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे डिफरेंट क्या दिखाया गया, 0 से 1000 पीपल का डिफरेंस दिखाया गया। तो आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 500 लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आफ 500 हो जाएगा, फिर 500 यहाँ पे, यानी कि 500 का डिफरेंट हो जाएगा। अब 1000 का है ना, आप अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे 500 का डिफरेंट रख सकते हैं। जैसे 1000 जैसे 1000 प्लस 500 रख देंगे तो 15000 हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने अब इसको करना है। अब मराठी लैंग्वेज है, कितने पीपल के द्वारा बोली जाती है, अब यहाँ पे देखते हैं हम। तो यहाँ पे 2000 है, 2000 प्लस 500 कर देंगे, 2500 पीपल के द्वारा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, मराठी बोली जाती है।
अब इसी तरह से पंजाबी, पंजाबी लैंग्वेज हमने देखना है, यहाँ पे यहाँ से हम यहाँ करते हैं तो नीचे आते, नीचे की तरफ आते हैं, तो हमने इन दोनों के बीच का देखना है। यहाँ पे 4,000 है, यहाँ पे 5,000 है, तो हमने दोनों का बीच का करना है, यानी कि हमने 500 ऐड करना है, तो यहाँ पे 4,500 जो पीपल हैं वो पंजाबी लैंग्वेज बोलते हैं। अब इसी तरह से हिंदी कितने व्यक्ति बोलते हैं, कितने लोग बोलते हैं हिंदी को। अब हम नीचे की तरफ जाएंगे, यानी कि हमने यहाँ पे आ गया है। अब 705,000 जो पीपल हैं वो क्या बोलते हैं, हिंदी लैंग्वेज को बोलते हैं। अब इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को कितने जो लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को हम नीचे आए तो हमें सीधा पता चल गया कि 600 है, मतलब 6,000 है, 6,000 जो इंग्लिश बोलते हैं जो लोग होते हैं। अब यहाँ पे तमिल है, तमिल लैंग्वेज को कितने व्यक्ति बोलते हैं। अब नीचे की तरफ आए तो 2,000, यानी कि 2,000 जो पीपल होते हैं वो तमिल लैंग्वेज को बोलते हैं। अब उर्दू कितने बोलते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं, तो नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमने 500 माना था, तो 3,500 पीपल्स हैं जो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, उर्दू लैंग्वेज बोलते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से आपको ये एक्टिविटी शीट समझ में आ गई होगी, तो आगे आपने इस तरह इसको करना है। अब हम इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने इस ग्राफ को फॉलो करते हुए इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कौन कौन से क्वेश्चन है, कैसे बताया गया है, क्या पूछा गया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द बार ग्राफ, यानी कि जो ये बार ग्राफ है इसके बेस पे हमने इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला क्या पूछा गया है, ए क्या पूछा है, विच लैंग्वेज इज स्पोकन द मोस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पे इस बार ग्राफ में हमने देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा लंबा बार ग्राफ है, यानी सबसे जो लंबा ग्राफ होगा वही हमने हिंदी का है, देख लो हिंदी का देखना आप। यहाँ पे सबसे लंबा उसका बार ग्राफ है कौन सी भाषा का है। अब देखो मराठी का क्या छोटा है, फिर पंजाबी का बड़ा है, फिर हिंदी का सबसे बड़ा है, ठीक है। और इस तरह से हमने इनको सभी बार ग्राफ को देखते हुए ये पता करना है कि कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो यहाँ पे कौन सी भाषा का सबसे लंबा ग्राफ है, हिंदी का है, तो हिंदी भाषा यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अब बी क्या पूछा गया है, नेम ऑफ लैंग्वेज विच इज लेस्ट यूज़, यानी कि ऐसी लैंग्वेज जो सबसे कम यूज़ की जाती है, यानी सबसे कम लोगों के द्वारा बोली जाती है, तो ऐसी भाषा कौन सी है। अब हमने फिर इस इन लैंग्वेज को देखेंगे और फिर लैंग्वेज के सामने जो बार ग्राफ है उसको देखेंगे। अब सबसे लंबा देखा था हमने, तो यानी कि सबसे ज़्यादा बोली जाती भाषा हिंदी थी। अब सबसे छोटा देखना है, क्योंकि सबसे छोटा जो होगा बार ग्राफ वही उसके व्यक्तियों द्वारा बोली जाएगी गई भाषा होगी। अब सबसे छोटा किसका है, तमिल का है, तमिल का लैंग्वेज का, तो तमिल लैंग्वेज सबसे कम व्यक्तियों के द्वारा बोली जाती है। अब इसी तरह से हमने सी करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग मराठी, पंजाबी, तमिल, उर्दू, यानी कि हमने टोटल नंबर करना है कि कितने व्यक्ति इन चार भाषाओं को बोलते हैं, जैसे कितने व्यक्ति मराठी को बोलते हैं, कितने पंजाबी को बोलते हैं, कितने तमिल को, कितने उर्दू को। चार लैंग्वेज का टोटल पूछा गया है कि भी कितने व्यक्ति हैं जो इन चारों भाषाओं को बोलते हैं, तो हमने क्या करना है इसको देखते हैं, ऐसे करना है। अब मराठी भाषा को कितने व्यक्ति बोलते हैं, 2,500, ठीक है। कैसे पता किया, अब जैसे हमने ये देखा नीचे की तरफ बाहर की तरफ गए हम, तो 2,000 और प्लस यानी कि 2,500, तो हमारा कितना हो गया, 2,500 हमारा टोटल मराठी बोलने वाले व्यक्तियों का रेशो आ गया है। अब इसी तरह से हमने पंजाबी को देखना है, पंजाबी कितने बोलते हैं। अब ये देखना, यहाँ तक गए, अब नीचे की तरफ जाना संख्या की तरफ, तो 400 प्लस 5, मतलब 4,500, तो यहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ निकल के आ गई। अब पंजाबी की निकल के आ गई थी, अब 2,000 पीपल्स हैं जो वो किसको बोलते हैं, तमिल लैंग्वेज को बोलते हैं। अब हमने देखना उर्दू को, उर्दू को कितने बोलते हैं ये देखते हैं हम, 3,500 पीपल्स जो कुछ भाषा को बोलते हैं, उर्दू भाषा को बोलते हैं। अब इस तरह से हमने का टोटल करना है यहाँ पे। अब जैसे हमने ये सबसे पहले क्या लिया, हमने लिया मराठी को, मराठी कितने बोलते हैं, 2,500। फिर हमने लिया
पंजाबी भाषा को। पंजाबी कितने बोलते हैं? 4,500। फिर हमने लिया तमिल भाषा को, तमिल भाषा को कितने व्यक्ति बोलते हैं? 2,000 बोलते हैं। फिर हमने लिया उर्दू भाषा को, उर्दू भाषा को कितने व्यक्ति बोलते हैं? 3,500। तो इस तरह से हमने इन सभी का टोटल किया तो कुल मिला के 12,500 व्यक्ति पर्सन ऐसे हैं जो इन सभी भाषाओं, इन सभी चार भाषाओं को बोलते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया ना? ठीक है, अब हम करते हैं आगे का क्वेश्चन। हाउ मैनी मोर पीपल स्पीक हिंदी देन इंग्लिश, यानी कि कितने जो लोग हैं जो जो हिंदी को बोलते हैं इंग्लिश से की अपेक्षा, यानी कि कितने ज़्यादा लोग हैं जो हिंदी से, मतलब इंग्लिश से हिंदी बोलते हैं। तो हमने इन दोनों का डिफरेंट का पता करना है कि कौन से लोग ज़्यादा भाषा को बोलते हैं, हिंदी को बोलते हैं या इंग्लिश को बोलते हैं। तो हमने क्या किया, जो हिंदी का सबसे बड़ा बार ग्राफ हिंदी का था, तो सबसे ज़्यादा इसको हिंदी भाषा को व्यक्ति बोलते होंगे। जैसे 7,500 पर्सन ऐसे हैं, पीपल ऐसे हैं जो हिंदी को बोलते हैं, और हमने हिंदी की और इंग्लिश की कंपैरिजन करनी थी। तो इंग्लिश को कितने बोलते हैं? 6,000 बोलते हैं हिंदी, इंग्लिश भाषा को। तो अब हमने हिंदी लैंग्वेज में से माइनस करना है इंग्लिश लैंग्वेज को, तो कितना आ जाएगा? अब जैसे हमने 7,500 में से 6,000 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 1,500, यानी कि 1,500 पीपल ऐसे हैं जो इंग्लिश की अपेक्षा हिंदी को, हिंदी भाषा को ज़्यादा बोलते हैं। अब इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। ई व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन दिस सिटी, यानी कि इस पूरे सिटी में व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है कि भी कितनी है। तो इस टोटल सिटी में व्यक्तियों की संख्या कितनी है तो आज हम वो पता भी कर लेते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा तो हमने पता कर लिया और सबसे कम भी पता कर लिया। अब हम पता करते हैं टोटल इस ओवरऑल इस सिटी में कितने व्यक्ति रहते हैं, कितनी भाषाओं को बोलने वाले कितने व्यक्ति रहते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा मराठी, मराठी का हमने क्या किया उसका यहाँ पे लिख लेना है, लेकिन मैंने ये शायद सीरियल वाइज नहीं है, लेकिन आपने सीरियल वाइज लिखने हैं तो मैंने शायद वैसे ही लिख दिया है इन सभी को। तो आपने देखना है कैसे मराठी को कितने व्यक्ति बोलते हैं, पंजाबी को कितने बोलते हैं, हिंदी को कितने बोलते हैं, और इंग्लिश भाषा को कितने बोलते हैं, और तमिल को कितने बोलते हैं, और उर्दू भाषा को कितने बोलते हैं। आपने इस टेबल के अकॉर्डिंग, इस बार ग्राफ के अकॉर्डिंग सभी को यहाँ पे लिख लेना है और उनका फिर टोटल कर देना है। तो मेरे अकॉर्डिंग इन सभी भाषाओं को बोलने वाले इस शहर में कितने व्यक्ति रहते हैं ये यहाँ पे लिखा गया है। कितने व्यक्ति हैं? 26,000, यानी कि 26,000 पर्सन ऐसे हैं जो इस शहर में रह रहे हैं। तो इस तरह से आपने इसको फॉलो करते रहना है, ऐसे जैसे यहाँ तक मराठी को कितने बोलते हैं, यहाँ तक हमने मैच की, जैसे पिछली बार ग्राफ में हमने देखा ना, उसी अकॉर्डिंग आपने मैच करना है और इनको फॉलो करते जाना है। अब लास्ट का क्वेश्चन हमारा बचता है वो क्या है, एफ क्वेश्चन है। कलेक्ट द डेटा फ्रॉम योर क्लासमेट्स अबाउट देयर मदर टंग, आपने अपनी क्लासमेट से, अपने विद्यार्थियों से, अपनी क्लास के साथियों से यह पूछना है कि उनकी लैंग्वेज कौन कौन सी है। एंड आल्सो रिप्रेजेंट द कलेक्ट डाटा इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ, और आपने उस जो डाटा इकट्ठा करना है उसको कलेक्ट करना है और उस बार ग्राफ के द्वारा उसको शो भी करना है। तो आपने क्या करना है, अपने फ्रेंड्स हैं जितने भी आपकी क्लास में फ्रेंड हैं उन सभी से उनकी भाषा के बारे में पूछना है और एक बार ग्राफ बनाना है। तो मैं बार ग्राफ का एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, आपने इस एग्जाम्पल को फॉलो करना है, उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं आप। तो पहले जैसे मैंने ये बार ग्राफ दिया है आपके लिए, सबसे पहले क्या है, स्टूडेंट स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज, यानी कि ये यहाँ पे बताया गया है कि जो विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले विद्यार्थी आपकी क्लास में, यहाँ पे लिखना है। फिर वो आपकी क्लास में कौन कौन सी भाषाएं हैं, कितने व्यक्ति बोलते हैं, उन भाषाओं को यहाँ पे लिखना है। जैसे क्लास में पंजाबी बोलते होंगे, कुछ मराठी बोलते होंगे, कुछ इंग्लिश, कुछ हिंदी, कुछ तमिल, कुछ उर्दू, तो हर तरह के स्टूडेंट मिलेंगे आपकी क्लास में। आपने उन स्टूडेंट के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को यहाँ पे लिखना है। अब उन भाषाओं को कितने व्यक्ति कौन कौन सी भाषाओं को बोलते हैं यहाँ पे आपने क्या लिखना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखना है। ठीक है, आपने छोटी संख्याओं का एक नीचे ग्राफ बनाना, जैसे
5, 10, 15, 20, मैंने तो ये बना दिया 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह से मैंने तो ये बनाया है। आपने जिसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे 5, फिर 10, यहाँ से हमने 0 से शुरू करना है आपने, ठीक है। तो आपने 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, इस तरह से आपने 100 तक भी कर सकते हैं और कम तक भी रख सकते हैं। अपने इस बार ग्राम को फॉलो करते हुए अपने अकॉर्डिंग बनाना है, तो आप इस बार ग्राफ को देख कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इसमें और चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह की जो हमारी आज की वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है स्टूडेंट। मुझे आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक भी इस मेरे YouTube चैनल apnafuture.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नो नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको अच्छे से कर सकें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज़।